देखिए अभी तक जो बातचीत अभी तक हुई है, अभी आरएलडी के जो अनिल कुमार जी शपथ लेने के लिए गए हैं, उन्होंने भी संख्या पर 4 का ही जिक्र किया है। देखिए साफ तौर से आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं, वो भी अंदर जा रहे हैं, तो शायद बाकी कुर्सियों का जिक्र जो है जो या तो चीफ सेक्रेटरी के लिए होगा या प्रोटोकॉल में जो तमाम दूसरे लोग हैं उनके लिए हो सकती है। तो ऐसे में जो अभी तक खबरें हैं वो 4 के ही शपथ लेने की फिलहाल है। राजभवन ने ऑफिशियली एक लिंक भी जारी कर दिया है जिससे लोग जो है देख सकेंगे साफ तौर से जो है कि कौन कौन लोग शपथ ले रहे हैं। देखिए कुछ और मेहमान जो राजभवन की तरफ जा रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से सर? मैं प्रभात तोमर, राष्ट्रीय लोकदल का सहारनपुर मंडल अध्यक्ष। तो आपके यहाँ से कौन शपथ ले रहे हैं? हमारे यहाँ से अनिल कुमार जी शपथ ले रहे हैं। क्या कुछ पोर्टफोलियो वगैरह पता चल पाया अभी? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जिसको देंगे। तो आपके खाते से एक ही व्यक्ति? हाँ फिलहाल एक ही व्यक्ति। टोटल कितने लोग हैं, क्या खबर है अभी? भाई ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतने को शपथ दिलवाऊंगे। तो आरएलडी के देखिए प्रतिनिधि जा रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि आगे आई है, उधर देख लेते हैं कि इधर से भी क्या अपडेट्स लगातार मिल पा रही हैं। तो ऐसे में लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। साथ में देखिए डिप्टी सीएम भी आ गए हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आ गए हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। सभी अपने माननीय मंत्रीगण जो शपथ लेने वाले हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और आभार प्रकट करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व के। बिल्कुल, तो ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आपने देखा तस्वीरों में, लगातार जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के भूपेन्द्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बलदेव औलख एक ही गाड़ी में है। महामंत्री संगठन धर्मपाल को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजभवन पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हैं महामंत्री संगठन धर्मपाल की। मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, प्रधानमंत्री जी का करूंगा और जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निर्वाहन करने का काम करूंगा। को ले चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित शुक्ला भी हमारे साथ राजभवन से बाहर है, वहां इस वक्त जबरदस्त तरीके से हलचल है। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी उमेश। जी हाँ, देखिए योगी मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है और जबरदस्त गहमागहमी इस वक्त देखी जा रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक लगातार हर समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, पूरब और पश्चिम दोनों को साधने की कोशिश की जा रही है और मिशन 80 के टारगेट को अचीव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन लगातार प्रयासरत है और उसी दिशा में ये कदम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव प्रतीक जी मौजूद। प्रतीक जी क्या कहेंगे आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, पश्चिमी प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के विधायक आरएलडी के विधायक भी पहुंच गए हैं राजभवन, आप क्या कहना चाहेंगे, ये कितना बड़ा निर्णय है और मिशन 80 के टारगेट को अचीव करने के लिए जिस तरह से एनडीए गठबंधन लगातार प्रयासरत है तो कितना मील का पत्थर साबित होने वाला है इस डिसीजन से? देखिए राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, इनके आदर्श पर चलने वाली पार्टी है। आज हम बेहद खुश हैं कि जो सपने हमें चौधरी साहब ने दिखाए थे वही सपने साकार होते हुए हमारे चौधरी साहब के थ्रू दिख रहे हैं। जो ये डिसीजन है ये एक्ससी समाज के लिए बहुत बड़ी बात है और इस डिसीजन का पूरी राष्ट्रीय लोकदल पूरे दिल से समर्थन देती है और बेहद खुशी होते हैं होते हम ये कहना चाहेंगे ये चौधरी हमारे चौधरी साहब का इतना बढ़िया डिसीजन है और हम सब कार्यकर्ता ही हैं, हम सब कार्यकर्ता इस जो अपने चौधरी साहब के इस डिसीजन का समर्थन करते हैं। और आप क्या कहेंगे, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की पूरी प्लानिंग हो गई है, स्ट्रेटजिकल प्लानिंग हुई है और जिस तरह से लगातार पूरब और पश्चिम दोनों को साधा जा रहा है, ओपी राजभर जी भी पहुंच गए हैं, दारा सिंह चौहान भी पहुंच गए हैं, अनिल कुमार जी भी पहुंच गए हैं, सुनील शर्मा जी भी पहुंचने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपकी बार जो एनडीए का नारा है 400 पार का, उस 400 पार को अचीव करने के लिए मिशन 80 को फतेह करना बेहद जरूरी है और मिशन 80 को फतेह करने के लिए ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है ये राजनीतिक समीकरण सधेंगे इसके और मिशन 80 का जो टारगेट है वो अचीव होगा? देखिए मिशन 80 तो टारगेट पूरा हो गई होगा, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। आप बात करो 400 पार की, इस बार 80 तो हम कर ही लेंगे, हमारे चौधरी साहब कर ही लेंगे, मगर जो हमारी आंखें हैं वो 400 पार की है। वो जैसे कहते हैं ना जय श्री राम, तो यहाँ पे जय श्री राम का नारा लग चुका है और किसान एकता सब चौधरी साहब के साथ है, आम आदमी एससी समाज सब चौधरी साहब के साथ कंधा मिला के खड़ा है। इस बार 80 की बात ना करिए, आप बात करिए 400 पार की। इस बार एनडीए 400 पार करेगा और इंडिया मैं नहीं मानता एक सीट भी आ जाए, ऐसा हो भी हो सकता है राहुल घर बैठ जाए जाके।
अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि इस बार जो नारा लग रहा है जिसे कहते हैं ना कि मोदी जी का परिवार की बात कही जा रही है और सभी लोग अपने अपने एक्स पर मोदी का परिवार लिख रहे हैं और गठबंधन बिल्कुल बिल्कुल और आज कैबिनेट एक्सपेंशन है, 2024 का चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में जिन नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है कहा जा रहा है, एक बड़ा संदेश भी उसके माध्यम से दिया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अमित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अमित, अमित आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आस्था, जी बिल्कुल, अमित हमारे साथ हैं और उनके साथ मेनका भी है हमारी सहयोगी, और आज खास तौर पर हमारे दोनों ही सहयोगी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, डिप्टी सीएम और मंत्रियों से बातचीत भी की है और आज ही कैबिनेट का ये विस्तार 24 के द्वारा। अमित बिल्कुल आस्था, देखिए लखनऊ का सियासी पारा हाई है, एक तरफ 24 की तैयारियां चल रही हैं, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ कैबिनेट का विस्तार भी हो रहा है। अभी तक नामों पर सस्पेंस था, वो तस्वीर भी साफ हो गई है, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर दोनों के नाम को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब ये तय है कि दोनों शपथ लेने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर पहले वो राजभवन के भीतर गए हैं। एक चौंकाने वाला नाम जो रहा आस्था वो रहा अनिल कुमार का, क्योंकि आरएलडी कोटे से कोई एक मंत्री होगा लेकिन कौन मंत्री होगा ये साफ नहीं था। अनिल कुमार तीन बार के विधायक, इसके अलावा एसटी कोटे से आते हैं, अचानक से उनका नाम सामने आता है, वो कहते हैं कि जयंत चौधरी साहब ने कहा है कि आपको लखनऊ में रहना है और चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है कि आरएलडी कोटे से वही मंत्री बनेंगे। सुनील कुमार शर्मा 2017 में भी रिकॉर्ड वोटों से जीते, 2022 में भी रिकॉर्ड वोटों से जीते लेकिन मंत्री नहीं बन पाए थे, अचानक से उनका नाम भी सामने आता है कि वो चौथा चेहरा है जो कि मंत्री बनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इस पूरी कवायद को इस तरीके से समझा जा सकता है आस्था कि एक तरफ 24 की तैयारियां चल रही हैं और उसी क्रम में बीजेपी एक कदम और आगे चली गई है। हमारे साथ मेनका चौधरी भी मौजूद हैं। मेनका जी, कह सकते हैं कि बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक, 24 की तैयारियां, प्रत्याशियों का ऐलान और कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, मतलब एक मंत्रिमंडल का विस्तार। जी बिल्कुल अमित, और जब भी चुनाव से पहले एक्सपेंशन होता है उसे चुनाव से जोड़कर ही देखा जाता है कि क्या जातिगत समीकरण को सेट करने की कोशिश है, क्योंकि बीते साल से ही लगभग ये नवरात्रों का दौर था, तब से ओम प्रकाश राजभर खुद कह रहे थे कि वो कभी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं लेकिन उनका इंतजार अब जाकर खत्म हुआ। इस वजह से भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ मसला है, राजभर वोट बैंक पर जो पकड़ है ओपी राजभर की उसे साधने की। ब्रेट एक्सपेंशन में उनका नाम शामिल कर लिया गया है। यहाँ की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी, किस तरह से यहाँ पर जितने भी विधायक पहुंचे हैं, चाहे वो आरएलडी के हो, बीजेपी के हो या फिर सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हो, उन सबके समर्थक भी पहुंचे हैं, आरएलडी के कई और विधायक भी पहुंचे हैं समर्थन देने। सुभाषपा के तो जितने समर्थक पहुंचे उनके हाथों में फूल मालाएं भी हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ओपी राजभर, बार बार ये कह रहे थे कि दिल्ली जा रहा हूं, अब देखना बहुत जल्दी मंत्री बन जाऊंगा, और बार बार उनके जो समर्थक थे वो फूल मालाओं का इंतजाम करते थे लेकिन ओपी राजभर का इंतजार बढ़ता। वापसी में हम आपसे मिलेंगे, आइए, धन्यवाद। जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, अब यहाँ देखना उन्हें जा रहा है और जो मंत्री बनने वाले उनको सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। मंत्रियों को विभाग कौन सा मिलेगा, अब ये बड़ा सवाल हो जाता है, और कहा यह भी जा रहा है कि जो लंबा समय लगा कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर फैसले में, उसमें शायद ये भी एक वजह रही कि विभागों पर भी चर्चा हो रही हो, कि ऐसा ना हो कि ये लगे कि हमने सिर्फ कैबिनेट में शामिल कर लिया, करने के लिए कुछ ऐसे विभाग भी मिले जो वाकई जिम्मेदारी वाले विभाग हो, महत्वपूर्ण विभाग। पिछली बार ओम प्रकाश राजभर के पास पिछड़ा वर्ग विभाग था और वो उसी के हक की आवाज भी बुलंद करते रहे, तो क्या मेनका क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी उनके खाते में वही जाएगा? ये कोशिश ओम प्रकाश राजभर की जरूर रही होगी और हो रही होगी, लेकिन जिस तरह से इस बार आखिर में आकर ओम प्रकाश राजभर ने अपने खुद को मंत्री बनाए जाने को लेकर कहा कि ये तो मैं भी नहीं जानता, जो शुरू में दावे कर रहे थे कि अब मैं शपथ लेने वाला हूँ, बाद में वो इस बात पर आगे किया तो मैं भी नहीं जानता, तो शायद मंत्रिमंडल में कौन सी जगह मिले, कौन सा मंत्रालय मिले, इस पर भी वो इस वक्त पुख्ता नहीं होंगे। कई समर्थक हमारे साथ मौजूद है, उनको भी मैं बुलाऊंगी। जी अमित, आप अपनी बात कीजिए। नहीं, सुनील कुमार शर्मा के नाम को लेकर देखिए, अभी जब हम यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि पार्टी हर कार्यकर्ता के बारे में सोचती है, हर नेता के बारे में सोचती है, विधायक सांसद के बारे में सोचती है, आज किसी का क्या रोल है वो मैटर नहीं करता है, पार्टी ने उसके लिए बड़ा रोल तय कर रखा है।
आपको याद होगा मेनका, जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कहा गया कि लगता है उनका सियासी सफर अब समाप्त हो गया, लेकिन इस बार जब बीजेपी की लिस्ट आई 195 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम था। ऐसे ही सुनील शर्मा जब बार बार रिकॉर्ड मतों से जीत रहे थे तो उनके समर्थकों में सवाल था कि देखिए प्रतिनिधित्व तो हमारा तगड़ा है, हम बार बार हैवी मार्जिन से जीत भी रहे हैं, उसके बावजूद मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पा रही है। लेकिन वो मायूस नहीं थे, वो निराश नहीं थे और पार्टी ने उनके लिए बड़ा नीति कहा। जब भी सपा बसपा सत्ता में आई लोगों गरीबों को लूटा है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार बनती है गरीबों की सेवा करती है और गरीबों की सेवा करते हैं, कानून का राज रहता है, सभी लोग सुरक्षित रहते हैं, पूरे राज्य के इन्वेस्टर आते हैं, सभी से लोग सुखी रहते हैं, अच्छी सड़कें, अच्छे रोड, एयर कनेक्टिविटी सभी हम लोग देते हैं। आवाज देखिए ठीक आ रही है। और ये सीधा बसपा सत्ता में आई, उसने सिर्फ लूट खसोट किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। बीजेपी सरकार का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, आम आदमी का हक आम आदमी को मिलना चाहिए। और जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है इसमें भी इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें शामिल। मजबूती से जितने आएंगे उतने आप मजबूत होते जाएंगे। सर विपक्ष इसको जाति राजनीति कह रहा है। कुछ नहीं, उनके पास 70 क्या किया, बहुत लंबा समय था जातियों को। हमारे यहाँ सभी जातियों को सम्मान दिया जाता है और सम्मान के हिसाब से उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। आवाज ठीक नहीं है। और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, धीरे धीरे वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है नेताओं का। वो चेहरे भी वहां पर पहुंच रहे हैं जो कि आज मंत्रिपद की शपथ लेने वाले हैं। राजभवन के भीतर की तस्वीर भी सामने आ गई है, मंच पर वो कुर्सियां भी लगी हुई हैं। उठने लगे हैं कि मंच पर 6 कुर्सियां क्यों, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा 6 कुर्सी है, तो ऐसा क्यों है? हालांकि 4 मंत्री ही बनाए जाने हैं, अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो 4 मंत्रियों के ही शपथ ग्रहण की बात है। सेक्रेटरी शायद हो सकते हैं जी, प्रोटोकॉल के अधिकारी हो सकते हैं जी। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई राजभवन के भीतर की, मंच पर जो कुर्सियां लगाई गई वो भी आप देख पा रहे हैं।